मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि मार्केट से ढोलक, किस टाइप की ढोलक हमें खरीदना चाहिए, किस प्रकार की ढोलक हमें खरीदना चाहिए। तो मित्रों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, ये इसको हम ताली बोलते हैं, जिस पर पतली आवाज आती है इसको हम ताली बोलते हैं, कहीं कहीं इसको चाटी बोलते हैं। और ये हमारा बेस होता है जिसके लिए हम धा बोलते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो मित्रों, यदि आप ढोलक लेने जाएं तो ये हमारा जो ताली साइड का हिस्सा है ये छोटा होना चाहिए, और ये ताली से छोटा सा बड़ा, हल्का सा 1 इंच बड़ा ये होना चाहिए। और बीच में ये ढोलक सीधी है, लेकिन नहीं, इसमें बीच में थोड़ी सी, ये किनार आप लोगों को दिख रही होगी, थोड़ी सी बीच में उठा होना चाहिए, और ताली साइड छोटा होना चाहिए, और बेस उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आपके लिए अब आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि ढोलक कितने रुपए की आती है, कितने रुपए तक की आती है, और हमें कितने रुपए की ढोलक लेना चाहिए। तो मित्रों, आप लोगों के लिए बता दें कि बाजार में ढोलक 700-800 रुपए से चालू हो जाती है। 700, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, जैसी आप ढोलक लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। एक बात और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, बहुत अच्छी बुंदेलखंड के कवि हैं, उन्होंने कहा है कि यदि बजैया सही हो तो टंकी भी बजा देता है। तो मित्रों, महंगी ढोलक लेने से कुछ नहीं होता है, आप लोग 1000 रुपए से 1500 रुपए तक के बीच में आप लोग ढोलक ले सकते हैं। आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता दें, ये हमारी ताली है, ये छोटी होना चाहिए, और ये जो हमारा बेस है ये इससे थोड़ा सा 1 इंच बड़ा होना चाहिए, और बीच में ढोलक थोड़ी सी उठी होना चाहिए। और मित्रों, बाजार में जो ढोलक आती है, किसी में ज्यादा नट लगे रहते हैं, किसी में 100 ज्यादा रहता है, स्टील की पत्तियां लगी रहती हैं। मित्रों, ज्यादा पैसे लगाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 100 के, आप जो ढोलक का 100 रहता है सिर्फ उसके बस पैसे लग जाते हैं। आप लोग नट वाली ढोलक खरीदें, सीधी सिंपल 1000 रुपए से 1500 रुपए तक के बीच में, और जब सीख जाएं तो वही ढोलक आपकी बहुत प्यारी बजेगी। मित्रों, मैं ढोलक कैसे बजाता हूं, इसी वीडियो के नीचे हमने बहुत सारे गानों में ढोलक बजा के डाली है, पुराने गाना और कवाली पैटर्न में, तो आप लोग वो वीडियो सुने। और हाँ मित्रों, यदि आप ढोलक सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम अपने चैनल पर डालेंगे कि ढोलक को हम किस प्रकार से बजाते हैं, किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, ढोलक बजाने की ट्रिक क्या होती है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मित्रों, वीडियो के नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, देखें आप, उसके लिए टच कर दें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब यदि हो जाएगा तो जो भी हम वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए मिल जाएगी। तो मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट से हमें किस प्रकार की ढोलक लेना चाहिए, कितनी महंगी ढोलक लेना चाहिए। मित्रों, कोई मतलब नहीं है ज्यादा महंगी ढोलक लेने से। एक बार और बता दें, ये हमारा जो बेस रहता है इसको धा बोलते हैं, धा, ये बड़ा रहना चाहिए, और ये जो ताली हमारी जो पतली आवाज देती है इस धा से ये थोड़ी सी छोटी होना चाहिए, और ढोलक थोड़ी सी बीच में उठी होना चाहिए, जिसको गुम बोलते हैं। तो आप लोग 1000 रुपए से 1500 रुपए तक के बीच में बहुत अच्छी, बहुत प्यारी ढोलक आप लोगों के लिए आ जाएगी। मित्रों, अब लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी के लिए जय माई की, जय बुंदेलखंड।